वी आर रिवाइजिंग चैप्टर सेकंड में पहला क्वेश्चन है कि किसने 5 किंगडम प्रपोज किया था, तो तुमने बताया विटेकर, तो वी आर पुटिंग मार्क ऑन द विटेकर। देन विच ऑफ द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डू नॉट पोजेस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनमें से 5 किंगडम में से किसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, किसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती बेटा? टेल मी कशिश, मोनेरा, डू यू रिमेम्बर? मोनेरा इज प्रोकैरियोटिक। मोनेरा इज प्रोकैरियोटिक, सो किसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी? मोनेरा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर असाइंड यूकैरियोट्स टू, यूकैरियोट्स को किस में रखा उसने? विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में यूकैरियोट्स को किस में रखा? कितने किंगडम है मतलब यूकैरियोटिक विटेकर की क्लासिफिकेशन में, 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन में? फोर किंगडम्स हैं, ओनली 4 किंगडम्स। हिमांशी कशिश, कितने किंगडम है यूकैरियोट्स टिक आर एच विटेकर के में? हेलो, हाँ फाइव फाइव जी किंगडम। सर, हाँ सर, अच्छा ठीक है, मैं कर रही हूँ, ठीक है। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देर आर 4 किंगडम, इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोकैरियोटिक नॉन न्यूक्लिएटेड एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड अंडर। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोकैरियोटिक नॉन न्यूक्लिएटेड और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसके अकॉर्डिंग है? किंगडम किंगडम मोनेरा, मोनेरा के अकॉर्डिंग है, प्रोकैरियोटिक है, नॉन न्यूक्लिएटेड है, यूनिसेलुलर भी है, तो किंगडम मोनेरा में आएंगे इसके मेंबर्स, तो फोर्थ का आंसर किंगडम मोनेरा रहेगा। फिर विच किंगडम ब्रॉट क्लोरेला क्लामाडोमोनास विद क्वारमेशियम एंड अमीबा, कौन से किंगडम में क्लोरेला क्लामाडोमोनास को एक साथ रखा और उसमें पैरामीशियम और अमीबा को भी रखा? बताइए कौन सा किंगडम था जिसमें किंगडम फंगी, मैम किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में रखेंगे ना, यूकैरियोटिक है तो। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किंगडम प्लांटे आर ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोटिक एंड किंगडम प्लांटे में कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं बेटे? सारे कैरेक्टर होते हैं या कोई कैरेक्टर होते हैं, कोई नहीं होते हैं? 5 किंगडम में किंगडम प्लांटे के कैरेक्टर पूछ रहे हैं बेटा, तो क्या आंसर होगा? ऑल ऑफ द अबव, बेटा मोटाइल तो नहीं होते हैं प्लांट्स, मोटाइल नहीं होते हैं ना? मैम। मोटाइल मतलब जान रहे हो, मूवमेंट करने वाले ऑर्गेनिजम्स, तो मूवमेंट तो नहीं करते हैं। है ना, तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन दोगे? कौन सा ऑप्शन दोगे आप इसमें? फर्स्ट वाला फर्स्ट पोजेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सारे प्लांट्स में देखा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैलोफाइटा में भी देखा जाता है, उसकी कुछ क्लासेस में देखा जाता है, ब्रायोफाइट सेरिडोफाइट सब में देखा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये करेक्ट होगा। टिश्यू लेवल,
टिश्यू लेवल भी एवरीवन में होता है बट पर मोटाइल नहीं होते, तो इसीलिए ऑल ऑफ द अबव तो नहीं आ सकता था। हु वाज अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कौन सबसे पहले अटेम्प्ट कर एरिस्टोटल, रहा था? एरिस्टोटल, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल ने सबसे पहले अटेम्प्ट किया था क्लासिफिकेशन करने के लिए। क्लियर? हु डिवाइडेड एनिमल्स इंटू द टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड द एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स? एरिस्टोटल. एरिस्टोटल। ओके, विच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग लिनियस टाइम? कैरल टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन. टू किंगडम क्लासिफिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग हेड ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड टूगेदर अंडर एल्गी? एल्गी के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म रखे गए थे बताइए। स्पायरोगायरा क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा क्लोरेला, क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास या ऑल ऑफ द अबव? एल्गी के अंदर कौन कौन आते हैं बेटा? क्लोरेला, मैम ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव, यस करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव ही रहता है। तो हमने थोड़ा सा रिवीजन किया बिकॉज थ्रू द एमसीक्यूज, बिकॉज इट इज नेसेसरी। बहुत दिनों बाद कुछ बच्चे ऐड हुए हैं क्योंकि आज ऑनलाइन क्लास है, आप ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हो, तो दैट इज द इशू। ठीक है, बट ट्राई टू कम ऑफलाइन, जब भी कावर के बाद स्कूल खुलेंगे तो यू हैव टू कम ऑफ ऑफलाइन में, बिकॉज दैट इज द राइट वे ऑफ स्टडिंग। क्लियर? तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अब हम पावर पॉइंट के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, हमने क्विक रिवीजन कर लिया है। ठीक तो देर आर किंगडम मोनेरा विज डिवाइडेड इनटू आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने करी थी, उसने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर प्लांट और ट्रीज, प्लांट्स को भी ट्रीज में बांटा, श्रब्स में, हर्ब्स में बांटा, एनिमल्स को दो ग्रुप में बांटा, जिसमें ब्लड होता है जिसमें ब्लड नहीं होता। क्लासिफिकेशन फिर लिनियस ने भी दो किंगडम में करी, प्लांटे और एनिमेलिया में, और उसने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को डिस्टिंग्विश के लिए क्राइटेरिया नहीं लिया, इसी वजह से इसके भी दो ही किंगडम बने थे, प्लांट और एनिमल्स, क्योंकि प्लांट ग्रीन थे और फंगी भी प्लांट में ही रखी गई थी। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच विटेकर ने दी थी 1969 में, जिन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन करी। ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम, यस मैम। ओके, तो नाउ द प्लांटे एंड एनिमेलिया के की बात कर, इसने कौन कौन से क्राइटेरिया लिए आर एच विटेकर ने क्लासिफाई करने के लिए? सेल स्ट्रक्चर कल भी हमने डिस्कस किया था, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन या थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्लियर? यस मैम, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा एंड द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड इन द किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा इज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ऑल देयर प्लेस्ड इन द एल्गी विद इन प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेल वॉल्स। तो क्योंकि उन दोनों की सेल वॉल होती थी, तो क्लेमाइडोमोना और क्लोरेला दोनों को उन्होंने एल्गी में रखा हुआ था, बाद में उनको किसमें कर दिया गया?
प्रोटिस्टा में ट्रांसफर एल्गी में से निकालकर, क्योंकि क्लमाइडोमोनास यूनिसेलुलर एल्गी होती है, तो उसको वहां से निकालकर किसमें दे दिया थी, प्रोटिस्टा में, क्योंकि एल्गी तो क्या है, प्लांट्स में कंसिडर करते हैं एल्गी को, तो प्लांट्स तो मल्टी सेलुलर वाला ग्रुप बना दिया, तो प्रोटिस्टा में वो ऑर्गेनिज्म आ गए जो यूनिसेलुलर एल्गी भी थे। फ्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गी है, उसको भी किसमें रख दिया, प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में और कौन से रखे, यूनिसेलुलर एनिमल्स वाले भी, प्रोटोजोआ टाइप भी ऑर्गेनिज्म रखे, पैरामीशियम और अमीबा, विच वर अर्लियर प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम। और पहले इन पैरामीशियम और अमीबा को कहाँ रखा गया था, एनिमल किंगडम में रखा गया था पैरामीशियम और अमीबा को, पर अब क्या किंगडम बनाया है उन्होंने, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में वो कौन से ऑर्गेनिज्म को रख रहे हैं, जो यूकैरियोटिक और यूनि सेलुलर है, ठीक है। यस मैम, लिविंग वर्ल्ड में कितने किंगडम होते हैं, 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। किंगडम मोनेरा में हम पढ़ना जा रहे हैं उनके फीचर्स, चार बेसिक बेसिक शेप्स बता रखी हैं, कोकी, बैसिलाय, स्पायरिला, विब्रियो, बैक्टीरिया अबंडेंट हैं, वो हमारे चारों तरफ रहते हैं, एक्सट्रीम हैबिटेट में रहते हैं, हॉट स्प्रिंग डेजर्ट्स में, स्नो में रहते हैं, डीप स्नो में, डीप ओशन में भी रह सकते हैं, बहुत उनमें से रहते हैं जिंदा, और दूसरे ऑर्गेनिज्म पे सरवाइव करते हैं, उन्हें पैरासाइट्स बोलते हैं। बैक्टीरिया को ग्रुप करा जाता है 4 कैटेगरी में, जो उनको शेप के बेसिस पे, स्फेरिकल कोकस, रॉड शेप या कोमा शेप बोलती है, विब्रियम, स्पायरुलम बोलती है, सम ऑफ द बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक हैं, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट, दे में बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफ, दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड, आर्की बैक्टीरिया, दीज बैक्टीरिया आर लिव इन द मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया कहाँ रहेंगे, 3 तरह के होंगे अकॉर्डिंग टू द, वो कितने हार्श एरिया में रह रहे हैं और वो कहाँ रह रहे हैं, अगर वो सॉल्टी एरिया में रहेंगे तो उनका नाम क्या होगा, हेलोफाइल्स, क्योंकि हेलो वर्ड हेलो फॉर सॉल्ट, और एक्सट्रीम हॉट स्प्रिंग में रह रहे हैं तो उनका नाम होगा थर्मो एसिडो फाइल्स, बिकॉज फाइल वर्ड इज फॉर अट्रैक्टिंग, तो इट इज लिविंग एट दैट प्लेस विच इज हीट आल्सो, हॉट आल्सो, एंड विच इज रिलीजिंग सल्फर और एसिड आल्सो, सल्फ्यूरिक एसिड टाइप थिंग, या फिर ऐसा कोई बैक्टीरिया है जो ऐसी एरिया में रह रहा है जो हॉट स्प्रिंग्स है, क्लियर, वो थर्मो एसिडोफाइल है। एसिडिक रिएक्शन आप, तुम्हें पता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड को जब ओपन करते हो कंसंट्रेटेड वाले को, उसमें फ्यूम्स उठती हैं, वो फ्यूम्स कितनी हॉट होती हैं, तो ऐसे एरिया में, कुछ अंडर सी में, कुछ ऐसे एरिया होते हैं सी के अंदर या जमीन के अंदर, जहां पर केमिकल रिएक्शंस कर रहे होते हैं बैक्टीरिया, और सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है, क्लियर। मैम मीथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ, कुछ कुछ मीथेनोजेंस गट में भी प्रेजेंट हैं, जो कि मीथेन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बफलो की, काउ की गट में होते हैं, और डंग भी इन एनिमल का इसी से बनता है, मीथेनोजेंस से, क्योंकि आपको पता है गोबर से बायोगैस भी बनती है जो मीथेन ही होती है नेचर में, क्लियर, इज इट क्लियर। बैक्टीरियाज,
आर देयर डिफरेंट बैक्टीरिया आर ट्रू बैक्टीरिया ऑल्सो? ओके, कैन यू सी टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली द ट्रू बैक्टीरिया इज कॉल्ड रू यू बैक्टीरिया दे आर कैरेक्टराइज द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल तो आई वॉज शेयरिंग अबाउट द मोनेरा प्रॉपर्टीज ऑफ मोनेरा के देयर इज ट्रू बैक्टीरियाज आर देयर इन द मोनेरा एज वेल एज द आर की सॉरी ट्रू बैक्टीरिया आर देयर इन मोनेरा एज वेल एज द साइनोबैक्टीरिया विच आई वॉज टेलिंग दैट दे आर ऑल्सो ब्लू ग्रीन एल्गी. ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी क्या होती हैं आपकी मोनेरा का एग्जाम्पल होती हैं, क्योंकि उनके अंदर एक स्पेशलाइज सेल की बात हो रही थी. हाइड्रोसिस्ट होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्स करता है. ये दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये एनसीईआरटी का ही पेज है जो इस पीपीटी में है. एंड वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो रिसाइकल करने के लिए नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, आयरन एंड सल्फर्स को भी रिसाइकल करते हैं. दे ऑल्सो रिसाइकल द न्यूट्रिएंट्स इन द नेचर. हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट होते हैं नेचर में और मेजर अमाउंट में डिकम्पोजर भी होते हैं. उनमें से बहुत सारे बैक्टीरिया सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिकली. इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो डेयरी इंडस्ट्री में कर्ड बनाने के लिए भी काम आते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए भी काम आते हैं, नाइट्रोजन फिक्स भी करते हैं क्योंकि खेत की जमीन को फर्टाइल करते हैं, और काफी फार्म एनिमल्स और पेट एनिमल्स के लिए वो डैमेज भी कर सकते हैं बिकॉज दे आर यू आर हेटरोट्रॉफिक एंड दे कैन पैरासाइट द पेट्स द ह्यूमंस ऑल्सो. दे कैन कॉज डिजीजेस इन द ह्यूमंस. क्यू डिजीज नहीं तो सिट्रस कैंकर अदर नेम्स आर गिवन ऑफ द प्लांट डिजीजेस. दीज आर ऑल्सो कॉज बाय बैक्टीरियाज. तो बैक्टीरियाज आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कॉज क्यू डिजीजेस इन ह्यूमंस एंड इन प्लांट्स ऑल्सो. Sometime under unfavorable conditions, they produce spores and they also reproduce by sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transferred bacterium to another. So they also do the sexual reproduction. This is the dividing bacterium by the binary fission. The mycoplasma, the organism that completely lacks cell wall and they are the smallest living cells, one can survive without oxygen also. Many mycoplasma are pathogenic in animals and plants. Kingdom Protista की बात करेंगे तो सिंगल सेल यूकैरियोट्स को इसमें रखा गया है एंड प्रोटिस्टा के मेंबर्स प्राइमरीली एक्वेटिक हैं. किंगडम एक लिंक बना रहा है दूसरे किंगडम में जिसमें प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट और फंगी लाइक प्रोटिस्ट भी हैं. यूकैरियोटिक है ये किंगडम तो प्रोटिस्टा की सेल बॉडी के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हैं. प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन. प्रोटिस्टा के डिवाइड करा गया है क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट, प्रोटोजोआ, स्लाइम मोल्ड और यूगिलॉइड से.